देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा के चुनाव, चुनावों के लिए सारी पार्टी तैयार हो गई है और मैदान में भी उतर गई है। कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रण में उतरेंगे। 1 मई को पीएम मोदी कर्नाटक में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी चामराजनगर जिले के सांथे मरहल्ली और बेलगावी के उड़प्पी और चिकोड़ी में रैलियों को संबोधित करेंगे। उड़प्पी रैली में पहले मोदी कृष्ण मठ का दौरा करेंगे और फिर मठाचार्य से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि 12 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले प्रचार में बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। राज्य में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद पहली बार प्रचार करने पीएम मोदी आ रहे हैं। प्रचार अभियान की शुरुआत आज चामराजनगर से होगी और मैसूर जिले में चामुंडेश्वरी से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को निशाना बनाएंगे। कर्नाटक में पीएम मोदी 5 दिन में ताबड़तोड़ 15 रैलियां करेंगे। पहले चरण की रैलियों में पीएम मोदी करीब 48 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। वो पहली बैठक में चामराजनगर, मैसूरू और मांड्या जिलों को कवर करेंगे। इन तीनों जिलों में 22 विधानसभा सीटें हैं और उडुपी और चिकोड़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो अपने पहले चरण में कुल 48 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। इसके बाद वो 3 मई को आकर कालाबुर्गी, बल्लारी और बेंगलुरु में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें 47 विधानसभा सीटें हैं। तीसरे चरण के प्रचार में वो तुमकुर, शिवमोगा और गाडग में 49 विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान बीजेपी को वोट देने के फायदों की जानकारी मतदाताओं को देंगे और विकास भी एक अहम मसला रहेगा जिस पर वो चर्चा कर सकते हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक की 224 विधानसभाओं के लिए 12 मई को चुनाव होने हैं, परिणाम 15 मई को घोषित किए जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कुल 2655 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2436 पुरुष और 219 महिला उम्मीदवार हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में 224 बीजेपी से, 222 कांग्रेस और 201 जेडीएस से हैं। अन्य में बसपा से 18, भाकपा से 2, माकपा से 19, राकपा से 14, पंजीकृत और मान्यता प्राप्त पार्टियों से 800 और 1155 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।